ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्शन एजेंट है। सबसे पहले ईडी एक भ्रष्ट संस्था है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई देश में है तो ईडी और सीबीआई, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमन और ईडी पर मामला दर्ज किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, ये पहला मामला है लगातार। देखिए ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्शन एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी के तिजोरों में या खाते में जो पैसा जाता है, गया है, वो ईडी से माध्यम से जाता है। सबसे पहले ईडी एक भ्रष्ट संस्था है। ये सीतारामन जी के ऊपर जो अपराध या गुनाह दाखिल किया है वो क्यों है? पैसा जमा किया है इलीगल तरीके से, करेक्ट, जिसे हम खंडनी बोलते हैं, रंगदारी कहते हैं। लेकिन उसके लिए सीतारामन जी ने जो किया है अर्थमंत्री के तौर पर, तो ये पैसा जमा करने का काम अगर किसने किया है बीजेपी के लिए, तो ईडी को टारगेट दिया जाता है कि आप इतने इतने लोगों को पकड़ लो और पैसा जमा करो। हमारे मामले में ये हुआ है। इस देश में कुछ अधिकारी ऐसे हैं ईडी के, उनको सिर्फ यही काम के लिए रखा है। आपको मालूम होगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम जीतू नवलानी, उसके ऊपर हमने विथ एविडेंस कुछ बातें कही थी। जीतू नवलानी वो किस तरह से ईडी के लिए काम करता, हमने उसके ऊपर एसआईटी की स्थापना की, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई तो एसआईटी बंद कर दी। करोड़ों रुपया धमका कर ईडी के लिए जमा करता था जीतू नवलानी, और ईडी के कुछ बड़े अफसर जिसके नाम में सत्य है, सत्य। दूसरे एक थे राजेश्वर सिंह, अब वो बीजेपी के एमएलए है, कहां? उत्तर प्रदेश में। ये सभी का अगर आप इतिहास और रिकॉर्ड देखें तो सभी ने बीजेपी के लिए पैसा जमा किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। एक व्यक्ति है जो जेल में है, उसका नाम है रोमी भगत। उसने तो मुंबई और देश में ईडी के नाम से दुकान खोला था, और उसके साथ बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे, अब वो जेल में है। तो ये अगर आप इतिहास देखें तो ईडी के ही लोग ज्यादा एक्सट्रॉशन करते रहे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में। लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई देश में है तो ईडी और सीबीआई, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री है। हाँ जी हाँ, मैं प्रेम चोपड़ा हूं, लेकिन मेरे नाम में प्रेम है, और ये प्रेम हमें जनता ने दिया है, ठीक है। और चोपड़ा नाम से मुझे गर्व है, नीरज चोपड़ा ने देश के लिए स्वर्ण पदक लाया है। हम प्रेम चोपड़ा है तो क्या हो गया, कलाकार है। राजनीति में ऐसे कलाकारों की बहुत कमी आजकल, उनको क्या समझता है, पागल आदमी हो, गद्दार आदमी है।